यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ भी कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विलेज कॉम्प्लेक्स। तो इधर से अंदर एक कॉमनवेल्थ गेम भी हुआ था, अंदर जो मेन है ना जहाँ पे सारा खेल वेल होता है वहीं पे कॉमनवेल्थ करीब 2012 फिर के आसपास कभी हुआ था यहाँ। देखो मैंने बोला था ना रेलवे का कुछ सामान यहाँ पे कपड़ा ये सब होता ना जो कि धोने के बाद यहाँ पे डाला जाता है, तो ये देखो यार डाला हुआ भी है इधर है प्लस उधर भी है। और ये वाली सीढ़ी देख रहे हो ऊपर के साइड चढ़ती है ना, पहले इधर के साइड नहीं थी ये वाली सीढ़ी ना उस तरफ थी जो कि रोड को चौड़ाई करने के कारण ना वहाँ से देखो वहाँ से तोड़ के हटा दिया गया। जय श्री राम गाइज, कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज जैसा कि मैंने इसके पहले के पहले वाले वीडियो में ना बताया था कि आप लोग को अक्षरधाम में एक नया फ्लाईओवर बना है उसके बारे में आपको दिखाएंगे और फिर बताएंगे। तो चलो अभी अपन लोग वीडियो करते स्टार्ट और फिर बिना लेट के आप लोग को दिखाते फ्लाईओवर न्यू कैसा बना है और फिर आपको वीडियो में भी बताते सारा कुछ और फिर इधर का भी नज़ारा आपको दिखाते प्लस अक्षरधाम मेट्रो के बारे में भी दिखाते आपको। ये देखो ये पहले ना ये वाली चैम्बर दिख रही है, ये वाली ना पहले एकदम पतली सी थी, ये वाली थी नॉर्मल सी थी, बट अभी देखो इधर के साथ चौड़ा हो गया प्लस ये वाली रोड थोड़ी सी और पतली हो गई थी क्योंकि इधर ना ऑटो ये सब लगा हुआ रहता था। और फिर ऊपर के साइड ये वाली फ्लाईओवर बहुत पहले से ही थी बट इसके बाजू वाली ना जो बनी है ना न्यू वाली उसको साल या फिर डेढ़ साल हुआ है क्योंकि हमने 2022 में यहाँ पे रहते थे ना तो कुछ भी वो वाली फ्लाईओवर के बारे में कुछ चर्चा भी नहीं था लेकिन एक साल में बना दिया कि तब भयानक वाला। और फिर ये सब देखो इधर ये सब दिख रहा है नीचे वाला रोड, ये वाली देखना इधर अभी ये वाली रोड ना पहले से ही बहुत ख़राब रोड थी लेकिन इसको ना मस्त वाला ढलाई करके बना दिया गया है। सो भाई ये देखो इधर के साइड जो आगे वाला बना हुआ ना ये सब कुछ भी नहीं था बना हुआ, बस ऐसे ही ऑटो ये सब यहाँ पे लगती थी और कुछ भी नहीं था। बट अभी देखो यहाँ पे ना शायद कपड़ा ये सब धोबी लोग सुखाते हैं और रेलवे का भी कुछ कपड़ा इधर ही सूखता है ऊपर के साइड सारा कुछ रेलवे वाला जो भी आता ना इधर ही सूखता है क्योंकि जो टेंडर लेते ना वो सुखाते हैं। प्लस यहाँ पे देखो फ्लैग इंडिया का जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और सामने एक साइड देखो वो जो जिधर से रोटेट हो रहा है ना उधर से ना पहले भाई मतलब एकदम पतला सा था लाइक इधर जो ऑटो वाला इधर यहाँ पे लगा हुआ ना ऑटो यहीं से डायरेक्ट टर्निंग था बट अभी सामने एक साइड देखो वो वाली व्हाइट वाला बाइक कार दिख रहा है वहाँ से हो गया क्योंकि इसको ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया गया। ऑटो वाला जिधर बैठे हुए ना इतना ही दूर से पहले टर्निंग था बट वो वाली फ्लाईओवर बनी है ना इसके बाजू वाली उसके कारण काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे टर्निंग दे दिया। तो अभी मैं आपको ना वो वाली फ्लाईओवर दिखाता हूँ। देखो फ्लाईओवर ये वाली कितना मस्त वाला बन रहा है, इधर के साइड ना बीच में पटरी होती ना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का क्रॉसिंग वाली पटरी है तो वही उधर के साइड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाती है और फिर इसके नीचे एक वो वाली फ्लाईओवर थी वो वाली दिख रही है वो वाली थी लेकिन एक से काम नहीं हो पा रहा था जाम लग जा रहा था इसके कारण। ये वाली एक साल के अंदर देखो यार कितना भयानक वाला कंप्लीट हो गया है, सिर्फ एक साल, ज़्यादा भी टाइम नहीं लगा गाइज, आप लोग सोचोगे ना चार साल पाँच साल बट वैसा नहीं सिर्फ एक साल। प्लस ये देखो मेट्रो भी जा रही है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से, आ गई है मेट्रो स्टेशन अक्षरधाम का और ये मतलब बहुत ही फास्ट काम हुआ यार। तो दिल्ली में यार इतना फास्ट काम होता ना काश बिहार में भी होता, अपन लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बट चलो मैंने आपको फ्लाईओवर पे चढ़ के भी दिखाऊंगा इसका नज़ारा कैसा नज़ारा है प्लस आगे के साइड से ना ऊपर का लुक भी दिखाऊंगा कैसा लुक लगता है देखने में। प्लस एक मेट्रो गई तो एक और आ रही है, अरे ये मेट्रो नहीं ये ट्रेन जा रही है भाई, देखो दिखाता हूँ ये देख रहा हूँ भारतीय रेलवे ये मालगाड़ी है, मतलब इधर से ना काफ़ी ज़्यादा बिजी रूट है इसी कारण से फ्लाईओवर ऊपर के साइड से दिया गया वरना नीचे के साइड से ही रेड लाइट देखे ना क्रॉसिंग देता लेकिन इधर ऐसा नहीं होता सारा फ्लाईओवर से ही सारा कुछ होता है इधर के साइड। देखो नीचे का नजारा फ्लाईओवर बन रहा अभी न्यू वाला उसके नीचे का नजारा, ये सब ना जिस पे अपन लोग चल रहे हैं ना ये सब कुछ भी नहीं था प्लस ये सब ना सारा पेड़ पौधा इस सब में था, छोटा मोटा ऐसे ही पेड़ पौधा होता है ना वही वाली यहाँ तक के था पेड़ पौधा एकदम, ये रोड आधा दिख रहा है ना वहाँ तक के उसके आगे से वाली रोड थी जहाँ से फ्लाईओवर बन रही है। तो सोचो यार कैसा था उस टाइम और अभी यार उतना जगह लेने के बाद इतना जगह बचा हुआ प्लस इधर और भी जगह बचा हुआ तो और भी काफ़ी कुछ बन सकता है यहाँ पे बट देखते आगे क्या बनता है पता नहीं। और सामने एक साइड देखो अपना अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन जो कि मैं अभी आपको आगे जाके दिखाता हूँ वो भी। तो फाइनली भाई ये देखो अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन प्लस यहाँ से ना ये वाली फ्लाईओवर ऊपर के साइड जाती है तो अभी ना अपन लोग यहाँ से ना फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं और फिर
फिर आपको दिखाते हैं फ्लाईओवर का नज़ारा, क्या सीन है भाई फ्लाईओवर का। प्लस इधर देखो मारुति सुजुकी नेक्सा का कार का शोरूम है, सर्विसिंग सेंटर है, फिर शोरूम बोल सकते ना, सर्विसिंग सेंटर नहीं। प्लस ये देखो रोड, और फिर ये वाली सीढ़ी देख रहे हो ऊपर के साइड चढ़ती है ना, पहले इधर के साइड नहीं थी ये वाली सीढ़ी ना, उस तरफ थी जो कि रोड को चौड़ाई करने के कारण ना वहाँ से देखो वहाँ से तोड़ के हटा दिया गया और फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। और फिर ये देखो अपना रोड, क्या ही मस्त वाला रोड लग रहा है ना, फ्लाईओवर भाई, मतलब बहुत ही भयानक वाला लग रहा है फ्लाईओवर। ना फोन काफी ज्यादा गर्म हो चुका था यार, इतना ज्यादा गर्मी है ना, इसी कारण से फोन का कैमरा ऑटोमेटिक से टाइमिंग लेने लगा था, क्योंकि अपना फोन का ना पता नहीं क्या सिस्टम है, थोड़ा सा भी गर्म हो जाती है ना ज्यादा कैमरा के पास तो टाइमिंग लेके बंद होने का फोन का अलाउ दे देता है। प्लस ये देखो अभी मेट्रो क्रॉस कर रही है और अपन लोग सामने के साइड ना जो न्यू वाली फ्लाईओवर बन रही है ना उसके ऊपर जा रहा है। प्लस सामने की साइड देखो यार, मतलब ये पानी लेके जा रहा है बंदा अपने पीने के लिए यार, काफी ज्यादा गर्मी है, काफी ज्यादा गर्मी है। प्लस पीछे के साइड देखो ना तो कुछ इस प्रकार नजारा है, मतलब वो वाली फ्लाईओवर एक और एक ये न्यू वाली बन रही है, लाइक ये भी होप कि इस साल एंड तक पूरा कंप्लीट हो जाए, मतलब 1.5-2 साल में ना दिल्ली में फ्लाईओवर बन के कम्प्लीट हो जाती है। और उधर का सीन देख रहे हो क्या ही भयानक वाला लग रहा है ना, ये देखो एक तरफ से जा रही है एक तरफ से आ रही है, बट ये वाली फ्लाईओवर ना सिर्फ जाने वाली ही बनेगी, इधर से जाने वाली उधर से आने वाली बस वही वाली रहेगी उस साइड से जो आ रही है। सो भाई देख रहे हो, मतलब सोचो यार 1-1.5 साल में ना यहाँ का मतलब फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाता है, बट हर जगह पे मैंने देखा है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है। प्लस टाइम तो लेती है अपना बिहार में तो भाई 5-6 साल, एक तो भाई 15 साल से अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो ऐसा ऐसा बिहार में भी है। तो यार देखो यार, अगर बिहार से देख रहे हो ना तो देखो यार यहाँ का जो टाइमिंग क्या होता है और बिहार का टाइमिंग क्या होता है, मतलब इससे सीखो। प्लस ये देखो अपना कॉमनवेल्थ अंदर के साइड है, यहाँ ना अपन लोग शाम के शाम डेली जाते हैं, रनिंग वनिंग एक्सरसाइज ये सब करते हैं। अगर उसकी वीडियो चाहिए होगा ना तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। प्लस नीचे का नज़ारा देख रहे हो, क्या ही मस्त हेवी वाला नज़ारा लग रहा है, यहाँ से फ्लाईओवर क्रॉसिंग दिया इस तरफ से उस तरफ, मेट्रो स्टेशन से उस तरफ। सो गाइज, मतलब देख रहे हो यार सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर यार, मतलब इतना फास्ट कंस्ट्रक्शन हुआ है ना कि काफ़ी फास्ट, बहुत ही तेजी तरीके से बन के रेडी हो चुका है, लाइक इस साल एंड तक यहाँ से गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाएगी चलना। तो सोचो यार, देख रहे हो 1 साल के अंदर, इसको बोलते हैं गाइज मतलब कंस्ट्रक्शन फास्ट करना। तो ऐसा ही सारा जगह करो यार, लेट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो अभी और आपको हम कुछ ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं, जो रोड क्रॉसिंग वाली ब्रिज है ना उसके ऊपर चढ़ के आपको नज़ारा दिखाते हैं अक्षरधाम का। तो आगे अभी और भी काम चल रही है, नीचे की साइड से आपको दिखा दिए, और मेरे को इतना कुछ कंफर्म पता नहीं है कब से स्टार्ट हुई है, बट हाँ इधर का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। कब से स्टार्ट हुई और कब ख़त्म होगी ना इसका भी मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं है, बट समझ ही सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ भी कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विलेज कॉम्प्लेक्स, तो इधर से अंदर एक कॉमनवेल्थ गेम भी हुआ था अंदर, जो मेन है ना जहाँ पे सारा खेल वेल होता है वहीं पे एक कॉमनवेल्थ करीब 2012 फिर के आसपास कभी हुआ था यहाँ पे एक गेम कॉमनवेल्थ हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। ये देखो अभी ये वाली जिससे अपन लोग चढ़ रहे हैं ना स्टेयर से, ये वाली स्टेयर इस तरफ नहीं थी, उस तरफ थी जो उधर देख रहे हो गड्ढा, वहीं पे थी क्रॉसिंग वाला, ये वाली ऊपर चढ़ने वाली, बट अभी इस तरफ कर। सो गाइस ये देखो, देख रहे हो क्या है, जिमनी भाई, थार का टक्कर लेने वाला जिमनी, बट वैसा कुछ पावर इसमें लगता नहीं है, खास पावर नहीं है इसमें। और देखो इधर का नज़ारा भाई, मतलब अपन लोग इतना ज़्यादा फ़ोन गर्म हो गया ना कि अपन लोग को स्टे किए यहाँ पे रुके हैं तब जाके थोड़ा बहुत फ़ोन ठंडा हुआ। और फिर देखो गाड़ियाँ कैसे क्रॉस होती है भाई, एक आने वाला एक जाने वाला, प्लस ये न्यू वाला फ्लाईओवर बन रहा है। और अभी अपन लोग कहाँ खड़ा होंगे गेस करके बता सकते हो, ये देखो इधर से ऊपर जाने वाला और इधर से मेट्रो स्टेशन जाने वाला, देख रहे हो। और उधर से देखो गाड़ियाँ यार, कितना ज़्यादा गाड़ियाँ क्रॉस करती है, आने जाने वाला दोनों, प्लस ये रोड का क्रॉसिंग वाला ब्रिज है, तो इससे अपन लोग क्रॉस करके उधर जाएंगे, प्लस इधर ऑटो, और फिर मैंने बोला था ना वो वाली सीढ़ी, तो वहाँ से भाई कट के और इस तरफ शिफ्ट हो गया ये वाली जो ऊपर चढ़ने वाली है। तो ये देखो अभी अपन लोग क्रॉसिंग वाले पे हैं, और ऊपर से देखो भाई मतलब गाड़ी कैसे चलती है, इधर न्यू वाला फ्लाईओवर का ना यहाँ से सीन देखो, अभी दिख रहा न्यू वाला फ्लाईओवर, ये देखो। और कितना टाइम लगेगा, शायद इस साल तो कन्फर्म हो जाएगा भाई, रेडी चलने लायक हो जाएगा ये।
और ये अपन लोग यहाँ से चल के उस तरफ क्रॉसिंग साइड जा रहे हैं। प्लस ये देखो यार, अब कितना चौड़ा लग रहा है ना देखने से। ये देख रहे हो यहाँ वाला सीन, देखो जो सीढ़ी थी ना उसको हटा के उस तरफ कर दिया गया तो और भी चौड़ा लग रहा है। प्लस ये अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही प्यारा लग रहा है अभी मेट्रो स्टेशन। और फिर यहाँ से अपन लोग उस तरफ जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। देख रहे हो पहले दो लेन था, दो तरफ का था, एक आने वाला एक जाने वाला, अब एक और बन के रेडी हो चुका है जाम के कारण। रीजन था यार बहुत ज़्यादा व्हीकल्स है ना दिल्ली में, तो जाम तो लगेगी ही इसी कारण से। दिल्ली यूँ ही नहीं बदनाम है पॉल्यूशन के मामले में, देख लो यार कितना सारा व्हीकल्स चलता है। प्लस गर्मी सबसे ज़्यादा मानो ना तो यहीं से उत्पन्न होती होगी, हालांकि इतना तो व्हीकल्स हर एक जगह चलती है, बट मेन कारण यही होता है यार इसका, गर्मी जो कार का निकलती है ना उसका गर्मी कहाँ जाएगा। तो भाई तुम्हें तो गर्मी इधर ही लगेगी ना, इसी दुनिया में रहेगी ना गर्मी, तो गर्मी इससे ही पड़ती है। पेड़ पौधा कम, गाड़ी ज़्यादा, प्लस एसी कूलर में रहोगे तो गर्मी तो बढ़ेगा ना भाई। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. देखो मैंने बोला था ना रेलवे का कुछ सामान यहाँ पे कपड़ा ही सब होता ना, जो कि धोने के बाद यहाँ पे डाला जाता है। तो ये देखो यार डाला हुआ भी है, इधर है प्लस उधर भी है, और बट इधर का कुछ कुछ सूख गया तो उसको लेके गया, और भी कुछ देखो बेडशीट ये सब डाला हुआ है। तो बस यहाँ पे लोग ऐसे ही डालते हैं सूखने के लिए। प्लस अभी का टेम्परेचर ना 54 डिग्री हो चुका है, तो सोचो यार कितना गर्मी। इसी कारण से फ़ोन भी अपना बंद होने को आ रहा है बार बार। और फिर ये अपना मेट्रो स्टेशन है। सो फाइनली गाइज यही कुछ था सारा कुछ, प्लस आप लोग को दिखा दी। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, प्लस इतना फास्ट कहाँ कहाँ का फ्लाईओवर बना वो भी कमेंट करके बताना। इतना फास्ट तो मेरे से ख्याल से अपना बिहार में तो नहीं बना है, बट हाँ बना भी है कहीं कहीं, लेकिन इतना फास्ट ना के बराबर ही बना है। सो सोच रहे हैं आज यहाँ पे वीडियो को एंड करें। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे हमारे वीडियो देखते रहना। तो बाय बाय, जय श्री राम गाइज, बाय बाय।